Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे. दोस्तों अभी जो ना मैं मार्केट से देखें इतने ज़्यादा पत्ते उठा के लाया हूँ. ये देखें आज जो ना इनके लिए इतना सारा चारा, ये दो जो ना जितना ये खा सकते हैं आज खाएँ, ये इनसे ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक या दो दिन के लिए ना इनके लिए जो ना ये वाला चारा ये यहीं पर पड़ रहेगा जब तक इनका दिल करे ये खाते रहें. यहाँ पर कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है. तो बच्चा भी अभी साथ खा रहा था. ये देखें ये जो ना ये वापस ऊपर बाजरा खाने के लिए आ चुका है. आज जो ना थोड़ी देर के लिए रैबिट्स को भी बाहर निकला है ताकि ये भी जो ना थोड़ा सा घूम फिर लें, ये अंधेरे की जगह पर बंद ना रहें. और डक जो ना इनके केज के अंदर पहुंची हुई है. ये देखें तीन रैबिट्स तो यहाँ पर घूम रहे हैं और चौथा वो जो ना वो बकरियों के साथ मिलकर जो ना वो भी वहीं पर घास खा रहा है. आज जो है ना कौओं की भी जो ना झड़पें हो रही हैं हमारे परिंदों के साथ. ये भी जो ना नीचे आए इनके साथ खाना खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर जो ना मोर और मैगुना फॉल्स वो तो इनको नीचे बैठने भी नहीं देते और इनके के साथ जो ना वो लड़ाई करने लग जाते हैं. तो ये जो ना फिर कभी ये आ जाते हैं नीचे तो कौओं भी वो जो ना इनको भगा देते हैं. अभी जो ना यहाँ पर मुर्गी का राज चलता है. इस वाले पौधे की ये टहनी जो ना चीज़ जब हमने लगाया था तब से बिल्कुल ही टूट चुकी थी. ये देखें यहाँ से बिल्कुल ये टूट चुकी थी, लेकिन अब भी देखें इस पर जो ना नए पत्ते अल्हम्दुलिल्लाह से उग गए हैं. और ये दोनों टहनियों पर ये देखें इन दोनों पर जो ना पूरी तरह से जो ना हरी हैं और इन पर जो ना नए नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं. तो अब मैं क्या करता हूँ इस वाली टहनी को जो ना दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता हूँ. अगर जुड़ जाती हैं तो फिर जो है ना ये इन वाली टहनियों की तरह सीधी हो जाएँ. अब जो है ना तमाम परिंदे और जानवर जो है ना वो जो के सामने बकरियों के साथ वो वाले पत्ते खाना शुरू हो चुके हैं. ये सब है इनके लिए, इनकी मर्ज़ी जितना खाएँ पिए ऐश करें मौज करें. यहाँ पर ये देखें डक्स भी खा रही हैं, हमारे रैबिट्स भी खा रहे हैं, हमारी बकरियाँ भी खा रही हैं और हमारे मुर्गियाँ वगैरह भी खा रही हैं और जो है ना हमारे टर्की बर्दियाँ भी खा रहे हैं. इधर जो है ना अंडा भी आ चुका है जो कि हमारी असील मुर्गी ने दिया है. कुछ देर पहले कुछ देर तक तो जो है ना यहाँ पर बैठी रही, लेकिन फिर जो है ना वो उठ गई यहाँ. तो अब जो है ना किसी तरीके से मुझे ये अंडा भी अंदर से उठाना है. बारिश की वजह से मंडी के अलावा जो ना ख़राब हो चुके हैं. ये देखिए यहाँ पर जो ना सारा का सारा पानी भरा हुआ है. इधर भी जो ना सारा कीचड़ बना हुआ है. ये गाड़ियाँ जो ना यहाँ पर फंस चुकी हैं. वो सामने दोस्तों स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ से जो ना एक्सेसरीज वगैरह मिलती है, मतलब कि उनके सामने की रस्सियाँ घंटियाँ और ना बहुत सारी चीज़ें जो ना यहीं से मिलती हैं. अभी जो ना यहाँ से ले लेते हैं. हर मंडी के अंदर दोस्तों है ना जो दो साइडें होती है, एक तरफ जो ना ये देखें यहाँ पर बछड़े गायें और भैंसें और जो ना बछड़े वगैरह मिलती हैं. ये देखें छोटे बड़े हर किस्म के जानवर जो ना यहाँ मिलते हैं. और एक ये वाली साइड होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकरे दुम्बे और भेड़े वगैरह मिलती हैं. ये देखें हर इस तरफ भी जो ना बारिश में ज़्यादा पानी जमा हो चुका है. यहाँ पर जो ना ये देखिए लोडर वगैरह की सहूलत भी मौजूद है. जैसे जो ऐसे ही आप यहाँ से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो डायरेक्ट ये देखें यहाँ पर एक बछड़ा जाना लोड हो चुका है. तो ट्रैक यहाँ से लेकर लोड करा कर आप अपनी मंजिल के तरफ चल दें. सामान वगैरह जो लेना दोस्तों वो हमने ले लिया है खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए. पानी की बोतल भी मैं साथ लिया था क्योंकि ठंडा पानी था. अब से जो है ना ये काफ़ी गर्म हो चुका है. ये देखें ये वाला जो है ना सामान ये हमने नई बकरी के लिए लिया है. ये वाले जो मंडी की साइड है ना दोस्तों ये यहाँ जहाँ आपको अभी रश नज़र आ रहा है यहाँ पर मिलते हैं मुर्गियाँ कबूतर डक्स यूनाफॉल एटर की बर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें जो ना वो अभी यहाँ पर मिलते थे. ठीक है बाहर भी जो ना काफ़ी सारे यहाँ पर कबूतर पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हो. मार्केट से जो ना वापस आ चुके हैं दोस्तों हम अपने फार्म में और यहाँ पर जो ना सब कुछ ठीक है. तमाम परिंदे जो ना बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घूम पी रहे हैं, खा पी रहे हैं. और जो बकरी का बच्चा हम लेके आए हैं वो जो ना मैंने अपनी पुरानी वाली बकरियों के साथ छोड़ दिया जो कि उनके साथ उन्हीं के केज के अंदर मौजूद है. और वो ये रहा ये देखें ये बच्चा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो ना बड़ी हो चुकी है. और ये जो ना फीमेल है ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी है. अभी जो ना मैं ऐसे आपको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ.
तो ये रही दोस्तों हमारी छोटी सी बकरी जो कि हम आज लेके आए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो वाइट कलर में और उसके जना पैरों पर जना मोज़ेक बने हुए हैं हल्के से ब्राउनिश कलर के, वो देखे चलते कितने बड़े कान हैं और वो भी पिंक कलर के। हर तरफ से जना ये खूबसूरत है माशाल्लाह से, कितनी ही ज़्यादा प्यारी है। इसके साथ जो है ना उन्होंने ये वाली पुरानी सी रस्सी दी थी जो कि मैंने घर आकर उतार दी, क्योंकि इसके लिए जना मैं मार्केट से ही एक इन जैसा एक नया हार और नई रस्सी लेकर आया था जो कि अभी जो है ना मैं ऐसे पहनाता हूँ। इससे तो जो है ना मैंने इसका हार पहना दिया लेकिन रेड कलर का, इस पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सूट करा और एक ऐसा ही बिल्कुल सेम पीस जो है ना वो मैं अपने वाइट बकरे के लिए भी लेके आया हूँ कि वो देखें अभी जो हसरत भरी निकाहों से मुझे देख रहा है कि तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला, सिर्फ उसे क्यों निकाला। तो जो है ना ये तीन जो है ना पहले से यहाँ रह रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए जो है ना अभी इस अकेली को निकाला है जो कि आपको दिखानी थी। हमारे पैरट जो है ना वो यहाँ पर रह रहे कर अब जो है ना जानवर दूसरे परिंदों से भी नहीं डरते हैं। देखें बकरी इसके साथ खड़ी हुई है लेकिन फिर भी जो है ना हमारे कॉकटेल यहाँ पर बैठे हुए हैं। रैबिट्स भी जो है ना दरवाजे पर आए हुए हैं, ये देखें कैसे खड़े होकर ये साइन दे रहे हैं कि हमें भी बाहर निकालें, लेकिन अभी जो है ना इनका टाइम नहीं है, जब शाम को सबकी डाइट का टाइम होगा तो आज जो है ना इनको भी इनके साथ निकाल कर ये अपना खाना शाना खा लेंगे, फिर वापस इनको इन्हीं के केज के अंदर बंद कर देंगे। अभी तक जो है ना यहाँ पर जो अनार लगे हुए हैं वो गुलहरियों के पौंच से दूर हैं थोड़ा सा, ये देखें तो ये जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक हैं किए हैं और यहाँ पर भी लगा हुआ है। अभी तक जो फल लगे हुए हैं वो उन्हें जो है ना गुलहरी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो होप आगे भी जो है ना गुलहरी इनको नुकसान ना पहुँचाए। हमारी जो पहले वाली दोस्तों जो सारी बकरियाँ हैं वो उनके जो है ना कान बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके कान देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और ये देखें पिंक कलर के अंदर हैं, इनके अंदर से ये देखें वेंस भी सारी की सारी नज़र आ रही हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, हेल्दी और एक्टिव है। और देखें अभी चल जन जा रही है बाहर, अभी जो है ना मैं ऐसे बाहर लेके आया ताकि ये जो ना अकेले थोड़ा सा खाना खा सके, यहाँ से घास खा सके, क्योंकि हमारी जो दूसरी वाली बकरियाँ ना वो थोड़ा सा खा के फिर वापस घर को भाग जाती हैं, लेकिन ये देखें ये जो है ना बड़े अच्छे से यहाँ पर खाना अपना घास खा रही है, तो ये थोड़ी देर तक यहाँ खा ले और वहाँ से जो ना वो वाली बकरियाँ आवाज़ें दे रही हैं और डक भी जो ना अभी तक यहाँ पर मौजूद थे कि हमें बाहर आना है, लेकिन डक जब बाहर आती हैं तो जो है ना दूसरे फिर जब यहाँ से बच्चे गुजार रहे होते हैं नेबर के उन्हें उनके पीछे पड़ जाती हैं, वो देखें वो डक वहाँ पर ठहरी है आने की कोशिश कर रही हैं और आ भी चुकी हैं, ये जो ना फिर यहाँ से किसी गुजरने नहीं देती जब तक ये खाना खा ले, फिर मैं इसे वापस इन्हें वापस अंदर भेजता हूँ। इन सब के शोर से तंग आकर जो ना मैंने इन्हें भी बाहर छोड़ दिया, ये देखें ये जो ना अब यहाँ पर खा रहे हैं। हमारी ये वाली जो है ना छोटी बकरी ये सबसे अलग थलग होकर अपना खाना बड़े आराम से खा रही है और ये जो ना छोटी छोटी सी ये भी आ चुकी हैं बाहर, क्योंकि इन्हें भी जो ना अंदर आराम नहीं आ रहा था। जब तक जो है ना ये सब यहाँ पर घास खाते रहेंगे तो मुझे भी जो ना यहीं पर खड़े रहकर इनका वेट करना पड़ेगा कि कहीं जो ना यहाँ पर फिर कोई कुत्ता वगैरह ना आ जाए, फिर वो या आपसे इन पर हमला कर सकता है या फिर ये जो ना उनसे डर सकती हैं। तो चलें तब तक जो ना मैं इनका वेट करता रहता हूँ। फिर तो आज के लोग था दोस्तों बस यहीं तक था, आज के लोग करते हैं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह भी के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।